बड़वानी। महिला ने दिया एसडीएम के वाहन में बच्ची को जन्म। गुजरात से लौटी थी दंपति। बड़वानी आने के बाद स्क्रीनिंग के दौरान हुई थी प्रसव पीड़ा। एसडीएम के वाहन में महिला अस्पताल ले जाते समय बच्ची का वाहन में ही हो गया जन्म। गुजरात से मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिन्हें बड़वानी लाए जाने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाकर उनके घर भेजा जा रहा है। आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गुजरात से आए मजदूरों की स्क्रीनिंग का काम कर रही थी, तभी एक महिला मजदूर को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके देखने के बाद टीम ने उसे अस्पताल ले जाना उचित समझा, जिसके बाद बड़वानी एसडीएम अंशु जावला ने अपना वाहन टीम को दे दिया ताकि महिला समय पर अस्पताल पहुंच पाए। जैसे ही टीम महिला को लेकर निकली, अस्पताल गेट में दाखिल होते ही महिला ने बच्ची को वाहन में ही जन्म दे दिया। फिलहाल माँ और बेटी दोनों स्वस्थ है। को ये हमारे ये समझे रखता है, उसको डिलीवरी केस है तो उसको पेट में दुख रहा था, वो फोन लगाया था कि आ गया आपकी सहायता के लिए, इसके लिए फोन करा था। तो कहाँ से आ रहा था ये? गुजरात से आ रहा था। क्या लेने गया था? गुजरात मदरी के लिए। डिलीवरी कैसे हो गई? डिलीवरी अभी ये डाउन के लिए गाड़ी रुक गई थी ना, इसलिए अभी ये रास्ता में होगी। आपकी ये गाड़ी क्या नाम है? एडम की गाड़ी में यहाँ लाया गया था तभी, और लड़का हुआ उसे। इसलिए ये लोग क्या है कि गुजरात मजदूरी करने गए थे, वहाँ से इनकी स्क्रीनिंग के लिए हम लोग वहाँ पे तैनात थे जलसा गार्डन में। तो वहाँ पे हमें खबर मिली कि बस में कोई लेबर पेन जनरेट हो रहा है, तो उस लेबर पेन को देखने के लिए हम गए, तो हमको लगा कि स्थिति ख़राब है, उनको डिलीवरी नहीं कराने। हमने कोशिश करी वहाँ बस में करवाने की, इतनी देर में 5 मिनट के अंदर एसडीएम मैडम ने हमें गाड़ी प्रोवाइड कर दी कि हमारी गाड़ी से इनको हॉस्पिटल ले जाओ। फिर उनको यहाँ लेके आए तो हॉस्पिटल के गेट के अंदर एंट्री ही करी थी और बच्चे को डिलीवर करवाया सुषमा वाजपेयी सिस्टर ने, और मैंने पूरा चेकअप किया, दोनों उसकी माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। सर लड़का था लड़की थी? लड़का था। लड़का